ये फोटो है अखिलेश यादव जी का। आप देखेंगे कि इस वक्त ये भी पीएम बनने की दौड़ में हैं और तमाम कर्म कांड में लगे हुए हैं, जबकि अपने आप को अंबेडकरवादी भी बताते हैं। जब ये पुराने सीएम थे तो जब ये इन्होंने बंगला छोड़ा था उसके बाद इनके घर को धुलवाया भी गया था। इनके चचा ने भरी सभा में भी बोला था कि जो ओबीसी समाज है वह शूद्री नहीं अति शूद्र में आता है। तो क्या कहना चाहेंगे, इस दोहरे चरित्र को किस नजर से देखते हैं आप, और कितना प्रधानमंत्री के दावेदारी में अपना दम रखते हैं अखिलेश यादव? बसपा और सपा में कौन मजबूत कैंडिडेट है, मैं फिर दोबारा से आपसे जानना चाहूंगा। देखिए सुरेंद्र जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब पार्टियों में होड़ लग गई है कि अंबेडकरवादी होना, ये झूठे अंबेडकरवादी लोग हैं। जैसे बीजेपी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर स्मारक बनाकर ये साबित करने का काम किया कि हम अंबेडकरवादी हैं, मगर बीजेपी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को खत्म करने की बात करती है। उनके एक मिनिस्टर थे अनंत कुमार हेगड़े, उन्होंने कहा था कि वी आर हेयर टू डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और नई संसद बनाई है। वो कहते हैं कि नई संसद बन गई है, हम नया संविधान भी बनाना चाहते हैं। तो वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों के भारत को वो खत्म करना चाहते हैं, इस देश को हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। अब कांग्रेस लीजिए, कांग्रेस भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम को सिर्फ इस्तेमाल करने का काम करती है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत नहीं बनाना चाहती है, ना वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को लागू करना चाहती है। आम आदमी पार्टी देख लीजिए, वैसे तो कहते हैं कि ये सावरकर पढ़ाएंगे, हम अंबेडकर को पढ़ाने का काम करेंगे, वैसे वो मूर्ति पर माला चढ़ाने का काम करते हैं और विचारों पर ताला लगाने का काम करते हैं। जब इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती आती है तो केजरीवाल इस देश के अंदर राजधानी में कहते हैं कि पहले हम हनुमान की जयंती मनाएंगे, और ये ऑर्डर देते हैं कि 70 की 70 विधानसभाओं में हनुमान जयंती मनाई जाए, और जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती आती है तो उस पर वो साइलेंट हो जाते हैं, वहां कोई आदेश नहीं देते हैं। तो ये लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का इस्तेमाल करते हैं। और आपने अखिलेश जी की बात की, तो अखिलेश जी सिर्फ अभी नए नए अंबेडकरवादी बने हैं, वो अंबेडकरवादी लोगों को ठगना चाहते हैं, क्योंकि उनकी सरकार में क्या होता था अंबेडकरवादी लोगों के साथ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के साथ क्या होता था, जो बहन कुमारी मायावती ने जो डिस्ट्रिक्ट बनाए थे बाबा साहब के नाम पर और महापुरुषों के नाम पर, उनको बदलने का काम इसी सरकार ने किया था। और आपने देखा होगा बहन कुमारी मायावती की तस्वीर को तोड़ने का काम इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने किया था। और विधान उसमें लोकसभा के अंदर जब प्रमोशन में रिजर्वेशन की रिजर्वेशन में मतलब प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात आई थी तो इन्होंने वो बिल को फाड़ने का काम किया था, वही समाजवादी पार्टी है। और समाजवाद पार्टी जो है वो कभी भी अंबेडकरवादी पार्टी नहीं हो सकती है, क्योंकि अंबेडकर के विचारों से काम नहीं करती है वो तो सिर्फ धर्म के नाम पर वो भी काम करती है, वो तो सिर्फ मुस्लिमों के नाम पर, मुस्लिमों को ये डर दिखाकर कि आप अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ चले जाएंगे तो आपका शोषण होगा। जबकि अगर देखा जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर मुस्लिम समाज को, अगर दलित समाज को, एससी समाज को, ओबीसी समाज को और सारी महिलाओं को और सारे उन लोगों को जो संविधान पर विश्वास करते हैं, अगर उनको न्याय देने का काम करा तो एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, और एकमात्र बहन कुमारी मायावती है उनकी नेता। ये जो कंपेरिजन करने का काम है, बहन कुमारी मायावती से किसी भी नेता का कंपेरिजन नहीं है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये मौका प्रस्त लोग हैं, जैसा मौका मिलता है वैसे वो काम करते हैं। बहन कुमारी मायावती कितनी भी परिस्थितियों, कैसी भी विपरीत परिस्थितियों, बहन कुमारी मायावती कभी भी अपनी विचारधारा से इधर से उधर नहीं जाती हैं, आपने देखा होगा। और बहन कुमारी मायावती जो बात कहती हैं उसको वो हमेशा पूरा करने की कोशिश करती हैं, अपने कार्यकर्ताओं से, अपनी जनता से, देश की जनता से। बहन जी कभी झूठ नहीं बोलती हैं, और बहुजन समाज पार्टी का ये नारा भी है और बहुजन समाज पार्टी का काम करने का तरीका भी है कि हम देश की जनता से कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हम उनके लिए सच में काम करना चाहते हैं, संविधान के माध्यम से जो संविधान में लिखा हुआ है, और इस देश में रूल ऑफ लॉ स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितने भी नेताओं के आपने नाम लिए, चाहे अखिलेश के नाम लिया हो, चाहे ममता जी का नाम लिया हो, चाहे आपने नीतीश जी का नाम लिया हो, इनसे बहन कुमारी मायावती का कोई कंपेरिजन नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी नेशनल पार्टी है, हमारी पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ती है, हमारी पार्टी मुद्दों पर काम करती है, हमारी पार्टी संविधान को बचाने का काम करती है, हमारी पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो महापुरुष हैं उनकी विचारधारा के आंदोलन पर काम करती है। बहुजन समाज पार्टी सामाजिक परिवर्तन का एक आंदोलन है और साथ साथ में एक राजनीतिक पार्टी भी है। हमारा एक मकसद है इस देश को अच्छा बनाने का, हमारा मकसद है इस देश को अंबेडकर बाद में लेके आने का, हमारा मकसद है इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का समाज बनाना। ये लोग मौके की राजनीति करते हैं, ये लोग हमेशा धर्म और जाति पर राजनीति करते हैं,
इनसे कोई कंपैरिजन नहीं है, इसलिए ये लोग अलग अलग दिशा में जाकर इकट्ठा होना चाहते हैं, ये इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, ये एक दूसरे से अपने स्वार्थ का इस गठबंधन बना रहे हैं, ये स्वार्थ का गठबंधन है। अगर कोई गठबंधन देश में बनता है उसकी नेता बहन कुमारी मायावती होती है और चेहरा प्रधानमंत्री का बहन जी होती है, तो वो गठबंधन इस देश में राज कर सकता है, वो गठबंधन सरकार बना सकता है, वो गठबंधन इस सरकार को जो झूठी सरकार है, तानाशाही सरकार है, उसको रिप्लेस कर सकता है 2024 में, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।